गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू ऑर्डर, दैट इज न्यूरोप्टेरा। ठीक है, सो न्यूरोप्टेरा जो ऑर्डर है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोज रेगुलर लाते रहते हैं। सो हमारे जो चैनल पर टोटल अभी 13 कोर्सेज जो हैं वो रन हो रही हैं, तो आप इस एंटोमोलॉजी लेक्चर के अलावा भी एग्रोनॉमी, IPM के लेक्चर्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स, मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम साथ साथ रन कराते हैं, तो आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और जो हमारा आज का जो डेडिकेटेड टॉपिक है, दैट इज़ द ऑर्डर न्यूरोप्टेरा। सो सबसे पहला बेसिक हम देखते हैं, व्हाट इज़ न्यूरोप्टेरा। तो न्यूरोप्टेरा जो वर्ड है, दैट मीन्स न्यूरो मीन्स क्या हो गया, नर्व, एंड टेरा मीन्स, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दैट इज विंग। ठीक है, तो न्यूरो मीन्स क्या हुआ, नर्व, एंड टेरा मीन्स विंग्स। तो ऐसे विंग्स जिनमें नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब नर्व्स मतलब क्या हो गया, मतलब उनमें एक ऐसा वेनेशन दिखता है। ठीक है, मतलब उनके जो क्या कहते हैं, विंग्स जो होता है उनमें ऐसे वेनेशन दिखते हैं जो कि नर्व्स लाइक अपियरेंस है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्टेरा ऑर्डर। मतलब इनके जितने भी इंसेक्ट्स होंगे सब में कैसा होगा, उनका विंग्स जो होगा मेम्ब्रेनस होगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन जो होंगे वो लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें हमें जो उनके नर्व्स हैं वो दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम कहते हैं न्यूरोप्टेरा ऑर्डर। और इनके कॉमन नेम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो कॉमनली इनको हम लेस विंग्स कहते हैं, एंट लायंस कहते हैं। मतलब ये अलग अलग इनका सब ऑर्डर्स है, बेसिकली हम इनको सब ऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंसेक्ट्स के नेम से भी इस ऑर्डर को हम जानते हैं, दैट इज लेस विंग्स, एंट लायंस हो गया। तो इनका बहुत सारा कॉमन नेम है जो कि हम इस लेक्चर में कंटिन्यू आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फिर भी, क्योंकि इसके इंसेक्ट्स हमें जनरली दिखते भी नहीं है और इनसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी हम हर ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, सो वी हैव टू डिस्कस दिस ऑर्डर ऑल्सो। सो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, तो कैरेक्टर बेसिकली क्या है, मैंने मोस्टली हाईलाइट तो कर दिया है, दे आर सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट। पहले तो इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, एंटीना जो होता है फिलीफॉर्म होता है। ठीक है, अब फिलीफॉर्म एंटीना अगर आपको नहीं पता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटीना, तो आप मेरे लेक्चर्स को मैंने इस पर भी टाइप ऑफ एंटीना पे लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको जस्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एंटीना गो फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये जो लेक्चर है वो मेरे बनाया द्वारा जो मैंने बनाया है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो, एंटीना इज फिलीफॉर्म और विथ और विदाउट अ टर्मिनल क्लब। कहने का मतलब है फिलीफॉर्म बेसिकली आके जाके क्लब्ड हो जाता है, क्लब मतलब एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है टर्मिनल क्लबिंग जो है इनके एंटीना में दिखता है। नेक्स्ट इज द माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट जो होता है चीविंग टाइप होता है इन एडल्ट्स। ठीक है, मतलब चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स है, जैसे हमने कल वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, हमने आइसोप्टेरा में भी यही चीज़ें देखी थी, चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स। विंग्स अगर बात करें इक्वल, जो कि सेम है आइसोप्टेरा जैसा। मेम्ब्रेनस विंग, मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि इनके विंग्स जो होते हैं मेम्ब्रेनस होते हैं, एंड मेनी क्रॉस विंग्स। यही क्रॉस विंग्स जो है ना, जो मैं आपको ऐसे भी बता रहा था कि इनमें नर्व्स की तरह दिखते हैं, दैट इज दी क्रॉस विंग्स, और इसी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोप्टेरा कहते हैं। ठीक है, दे आर हेल्ड इन ए रूफ लाइक मैनर ओवर द एब्डोमेन। ठीक है, कहने का मतलब जो विंग्स का पोजीशन बताया जा रहा है कि ये कैसे रहता है, छत की तरह है एब्डोमेन के ऊपर में। ठीक है, दे आर वीक फ्लायर्स, मतलब ये लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबे समय तक उड़ नहीं सकते, मतलब इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम वीक फ्लायर्स कहते हैं। ठीक है, लार्वा इज कैम्पोडीफॉर्म। अब यहाँ पे कैम्पोडीफॉर्म लार्वा, तो आपको इसके लिए भी मेरी लेक्चर देखनी पड़ेगी जहाँ पे मैंने बताया है टाइप्स ऑफ लार्वा के बारे में। तो आप इस लेक्चर के बाद में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे टाइप्स ऑफ लार्वा गो फॉर एग्रीकल्चर, तो आपको जो फर्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो मेरी ही है, तो आप वहाँ पे कैम्पोडीफॉर्म लार्वा के बारे में पढ़ सकते हो। मैंने इवन सारे लार्वा के बारे में बताया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैम्पोडीफॉर्म लार्वा वैसे लार्वा होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड लेग्स पाए जाते हैं, एंटीना भी उनका वेल डेवलप होता है, और बेसिकली उनका जो बॉडी होता है दैट इज फ्लैट। तो उस टाइप के लार्वा को हम कैम्पोडीफॉर्म लार्वा कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो माउथ पार्ट होता है लार्वा, क्योंकि एडल्ट में तो हमने देख लिया है, ठीक है, चिविंग टाइप है, तो लार्वा के केस में क्या होता है, मैंडिबुलो सेक्टोरियल माउथ, मतलब बेसिकली वो सक करते हैं, ऐसा माउथ पार्ट होता है इन केस ऑफ लार्वा। प्यूपा जो होता है, अगर हम बात करें तो प्यूपा जो है वो है एक्सरेट टाइप, देख रहे हो, एक्सरेट टाइप प्यूपा, मतलब इनके अपेंडेज इज एक्सरेट टाइप। प्यूपा कहने का मतलब क्या है, देखो, एक के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा, तो प्यूपा ऐसा बनेगा जिनके लेग्स जो होंगे फ्री होंगे, यानी बॉडी में अटैच जो अटैचमेंट है वो नहीं होगा। प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन अ सिल्कन कुकून। ठीक है, मतलब ककून बनता है सिल्क का,
ठीक है, तो 6 out of 8 मैलपिजेंट ट्यूब्यूल, हम जानते हैं इनके इंटेस्टाइनल रीजन में क्या होता है, मैलपिजेंट ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, तो 8 पेयर होते हैं जिनमें से जो 6 हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं सिल्क ग्लैंड में, ठीक है, और वही सिल्क ग्लैंड किस चीज़ का सिक्रीशन करता है, सिल्क का बेसिकली, ठीक है, सिल्क ग्लैंड, और उससे ककून बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे इस चीज़ को, तो सिक्स आउट ऑफ एट मैलपिजेंट ट्यूब्यूल्स आर मॉडिफाइड एज सिल्क ग्लैंड, दे स्पिन द ककून्स थ्रू एनल स्पिनरेट्स, ठीक है, सॉरी स्पिनरेट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा जो सिल्क ग्लैंड है वो तो सिल्क को बना रहा है, ठीक है, ककून स्पिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो एनल स्पिनरेट्स क्या है, सिल्क थ्रेड सिक्रीशन जो है बेसिकली इसी पोर से किया जाता है, एनल रीजन में प्रेजेंट होता है, और यही बेसिकली ककून बनाने में हेल्प करता है। आई होप जो ये वाला पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज एनल स्पिनरेट्स, ये होते हैं वो स्पेशल क्या कह सकते हैं, स्पेशल थ्री जो सिल्क थ्रेड हो रहा है उसका सिक्रीशन इसी रीजन से होता है, ठीक है, मतलब इसी जगह से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली इनके दो सब डिवाइडेड जो हैं वो दो सब ऑर्डर्स हैं, दैट इज मेगालोप्टेरा एंड प्लैनिपेरा प्लैनिपेनिया, ठीक है। तो ये दो हैं इनके सब ऑर्डर्स, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि हम सारे ऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये वाला ऑर्डर है फर्स्ट वाला, वो उसमें हम ज़्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, मतलब हमें बस यही पता होना चाहिए कि इनके दो ऑर्डर्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज मेगालोप्टेरा एंड सेकेंड इज प्लैनिपेनिया। अब प्लैनिपेनिया जो है सब ऑर्डर, उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इनको भी हमने सब डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट वन जो है हमारा दैट इज क्रिसोपिडे, इनमें कौन कौन से आते हैं, ग्रीन लेसविंग्स, ठीक है, गोल्डन आइज, स्टिंक फ्लाइज एंड एफिड लाइंस, इनके कैटेगरी में आता है। अब ये कैसे होते हैं मैं इसके इमेज को भी आपको दिखाऊंगा, दे आर ऑफ मतलब अगर हम बात करें तो बॉडी पेल ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, आइज जो होते हैं गोल्डन येलो होता है, एग्स आर माउंटेड ऑन स्टॉक टू अवॉइड प्रीडेशन एंड कैनिबलिज्म, कहने का मतलब है एग जो होता है वो स्टॉक के ऊपर माउंटेड होता है, मतलब एक मतलब कहने का मतलब स्टॉक के ऊपर ये एग देते हैं ताकि प्रीडेटरी जो इंसेक्ट्स हैं वो उसको ना खा पाएं, या फिर कोई सेम इंसेक्ट जो है लाइक अदर इस ग्रुप के इंसेक्ट उसको ना खा पाए, मतलब कैनिबलिज्म ना हो जाए या फिर उसका प्रीडेशन ना हो जाए, तो एग को माउंट कर दिया जाता है स्टॉक पे। लार्वा जो होता है प्रे ऑन सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स, ठीक है, स्पेशली ऑन एफिड्स, लार्वा जो है बेसिकली एफिड्स को खाते हैं, इट ऑफन कैरीज अ लेयर ऑफ डेब्रीज ऑन इट्स बॉडी विच प्रोवाइड कैमोफ्लेज, कहने का मतलब ये अपने शिकारी से छिपने के लिए अपने ऊपर में कुछ डेब्रीज को लेके, डेब्रीज कहने का मतलब है कचरा, या फिर कह सकते हैं डस्ट को लेके अपने ऊपर चलते हैं ताकि वो अपने जो शिकारी हैं उससे बच पाए, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज कैमोफ्लेज इफेक्ट, छुपने की कैपेसिटी को यानी जो छुपने की टेंडेंसी है उसको बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, ठीक है, यानी कह सकते हैं छुपने की टेंडेंसी, दैट इज कैमोफ्लेज। अगर हम बात करें तो दे एमिट ए स्टिंकिंग फ्लूइड व्हेन अलार्म, कहने का मतलब है कि स्टिंकिंग फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जब उनको खतरा महसूस होता है, ठीक है, फ्रॉम प्रोथोरेसिक स्टिंग ग्लैंड, तो उनके पास स्पेशली प्रोथोरेसिक रीजन में स्टिंग ग्लैंड पाया जाता है जो कि स्टिंकिंग फ्लूइड को फॉर्म करता है। दे आर मास मल्टीप्लाइड एंड रिलीज इन फील्ड फॉर कंट्रोलिंग एफिड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि इनके लार्वा एफिड्स पे रहते हैं, मतलब एफिड्स को खाते हैं, तो इसीलिए इसको मास, ये इनके पास कैपेसिटी क्या है, मास मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए इनको हम फील्ड्स में रिलीज करते हैं ताकि एफिड को कंट्रोल किया जा सके, यानी हमारा बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में इनको यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो उस इंसेक्ट को, जैसे मैंने डिस्कस किया है बॉडी आप देख सकते हो, बॉडी ग्रीन होती है, इनके आईज पे अगर आप ध्यान दो तो दीज आर गोल्डन इन कलर, ठीक है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया, द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड इज मैंटीसिपिडे, ठीक है, इसमें जो फ्लाइज होती हैं बेसिकली, कौन सी फ्लाई होती हैं, मैंटीसिपिड फ्लाइज, ठीक है, दे रिजेंबल प्रेइंग मैंटिस, आप देख सकते हो प्रेइंग मैंटिस के आगे जो फोर आर्म्स होते हैं यानी आगे वाले जो लेग्स होते हैं, ये फोर लेग्स जो होते हैं वो कैसे मॉडिफाइड होते हैं, रैप्टोरियल टाइप, ठीक है, तो ये वैसे ही, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। प्रोथोरेक्स इज इलोंगेटेड, जो प्रोथोरेक्स रीजन होता है वो लंबा होता है, ठीक है। फोर लेग्स आर रैप्टोरियल, अब रैप्टोरियल लेग्स क्या होते हैं, रैप्टोरियल लेग्स पहले तो इनमें जो मॉडिफिकेशन है फोर लेग्स का मॉडिफिकेशन है, ग्रैस्पिंग लेग्स को कहा जाता है, मतलब वो ग्रैस्प किसी चीज को पकड़ने के लिए जो लेग मॉडिफाई होता है दैट इज कॉल्ड रैप्टोरियल लेग, ठीक है। इनमें जो फीमर होता है उन पे आर्म होता, फीमर जो होता है उनके ऊपर पावरफुल स्पाइंस होते हैं,
ठीक है, मतलब कांटे निकले होते हैं उनके फीमर वाले रीजन पे। लार्वा प्रेस ऑन स्पाइडरलिंग्स इन द नेस्ट ऑफ ग्राउंड स्पाइडर्स। स्पाइडरलिंग्स क्या है? यंग स्पाइडर्स, यानी छोटे छोटे स्पाइडर्स को ये खाते हैं इनके लार्वा। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है उनमें हाइपर मेटामॉर्फोसिस होता है। अब मैंने मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स पे भी वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो, जस्ट सर्च टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस गो फॉर एग्रीकल्चर, तो आपको मेरी बनाई गई वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा हाइपर मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ये एक ऐसा टाइप का मेटामॉर्फोसिस है जिसमें जितने भी इंस्टार्स बनते हैं, कहने का मतलब है एक के बाद जो भी इंस्टार का स्टेज आएगा उनमें सारे इंस्टार्स जो होंगे, पहले तो बहुत सारे इंस्टार्स बनेंगे यानी न्यूमरस इंस्टार्स बनेंगे, और एक जो इंस्टार है वो दूसरे से बहुत ही डाइवर्स होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, आई होप आपको जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा, और आप इंसेक्ट को आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आप देखो इनके जो फोर आर्म्स हैं ये आगे वाले, ये ऐसा होता है दैट दे वॉन्ट टू ग्रैप समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए है, यानी किसी चीज़ यानी अपने प्रे को पकड़ने के लिए इन हैंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप जो ये पार्ट है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, लाइक थर्ड पार्ट इज द एंट लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिर मेले नॉन टीडे। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को जनरली पढ़ता नहीं उतना, मुझे लेक्चर के लिए ये चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। ये रीज़न है कि मैं अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ जनरली। ठीक है, तो ये जो एंट लाइन का ग्रुप है इसमें अगर बात करें तो एडल्ट रिजेंबल्स दी डैमसेल फ्लाई। ठीक है, एंटीना जो होते हैं लॉन्ग एंड क्लब्ड होते हैं, क्लब मतलब एंड हो जाना। ठीक है, क्लब मतलब गुच्छा आगे, ऐसे ऐसे टाइप वाले इनके एंटीनाज होते हैं। दे आर वीक फ्लायर्स, जैसे हमने बात की है कि लॉन्ग मतलब बहुत लंबा फ्लाइंग नहीं कर सकते, दे आर वीक फ्लायर्स। ग्रब्स कंस्ट्रक्ट कॉनिकल पिट्स फॉर कैप्चरिंग प्रे, जो ग्रब्स होते हैं, ठीक है, ग्रब्स मतलब जो एडल्ट से पीछे वाले, ठीक है, ग्रब्स जो होते हैं कॉनिकल पिट्स बनाते हैं, ताकि कॉनिकल मतलब कैसा हो गया, कोन के नुमा, ऐसे पिट्स बनाते हैं जिनमें वो प्रे को कैप्चर करते हैं। ठीक है, लार्वल मैंडिबल्स आर सिकल लाइक विथ वन और मोर इंटरनल टीथ। ठीक है, लार्वा का जो मैंडिबल होता है वो सिकल लाइक होता है, जिसमें एक से ज़्यादा इंटरनल टीथ पाई जाती हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, आप इसको देख सकते हो, दिस इज द एंट लाइन। ठीक है, तो दे हैव, एक देखो यहां पे क्या लिखा है, दे हैव डोलिकोचेस्टर्स। डोलिकोचेस्टर्स क्या है? डोलिकोचेस्टर इज द लैटरल सेगमेंट, वन मिनट, डोलिकोचेस्टर क्या है हमारे पास, लैटरल सेगमेंटल प्रोसेस फिंगर्ड विद द सीटे, फ्रिंज्ड विद द सीटे। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट वाज, लास्ट पार्ट इज आउल फ्लाइज। ठीक है, आउल फ्लाइज का एक चौथा ग्रुप है। ठीक है, अगर इसमें बात करेंगे तो एडल्ट रिजेंबल्स द ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, एंटीना इज लॉन्ग कंसीपियस एंड क्लब। ठीक है, इसमें हाइपोस्टिग्मल सेल्स पाए जाते हैं विंग्स में। ठीक है, हाइपोस्टिग्मल विंग्स बेसिकली क्या होता है, आपने कभी किसी एक विंग को देखा होगा, जो भी मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, ऐसे आपने विंग्स को देखा होगा, विंग्स पे कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, तो वो रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टिग्मल सेल्स। वो जो रीजन बनता है ब्लैक या फिर डार्क कलर, दैट इज ड्यू टू दी हाइपोस्टिग्मल सेल्स। आप ये जो राइट पे जो इमेज है आप इस पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हाइपोस्टिग्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके विंग्स में। लार्वा डू नॉट कंस्ट्रक्ट पिट्स इन दी टू कैप्चर द प्रे, तब ये पिट्स नहीं बनाते हैं, और एडल्ट जो होते हैं एरियल प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब हवे में ही, मतलब हवा में उड़ते टाइम पे वो अपने इंसेक्ट को यानी कह सकते हैं प्रे को पकड़ लेते हैं, लाइक ड्रैगन फ्लाइज, जैसे ड्रैगन फ्लाइज करती हैं। तो इस इंसेक्ट को आप देख सकते हो, दिस इज द इंसेक्ट। ठीक है, जो लास्ट पार्ट का है, और इसमें आप देख सकते हो कुछ कुछ रीजन जो है ब्लैक रीजन है एंड पे, आप देखो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोस्टिग्मल सेल्स। सो गाइस देखो, मैं आपको फिर से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो हमने पढ़ा है अभी ऑर्डर न्यूरोप्टेरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने इसको डिस्कस किया है। सो अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं इस चीज़ को आपको पढ़ के भी ज़रूर बताऊँगा इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग। मैंने भी इस ऑर्डर को कम्प्लीटली बहुत उतना पढ़ा नहीं है, फिर भी मुझे जितना जो चीज़ें समझ में आई हैं पढ़ने के बाद मैंने आपको डिस्कस की हैं, और मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि इस ऑर्डर को आप उतना डेप्थ में जाके पढ़ने की उसकी नीड नहीं है। ठीक है, कि ये जनरली इंसेक्ट जो है आपको दिखते भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये इंसेक्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा कोई मेजर पेस्ट है, तो इस ऑर्डर को आप थोड़ा सा लाइटली लेके भी पढ़ सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू अटेम्प्ट क्विज, और लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सम MCQs, देन यू कैन join our telegram channel, or you can follow us on Instagram where we are uploading regular quizzes and regular questions where you can attempt those. So guys, चले मिलते हैं next lecture में।